आप सभी को ऑल इन वन चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं अपना ब्लॉग लेके आया हूँ। आज के ब्लॉग में हम दिखा रहे हैं जो फराना एफ 15 क्रेन होता है उसमें मैन लिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ साइट पे जो नया मशीन आया था, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम 50% मैन लिफ्ट लगा लिए हैं। लगाने में थोड़ा दिक्कत तो हुआ क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर है वो भी नया है, वो भी कभी इससे पहले दूसरे साइट पे लगाया नहीं था। फिर भी हम सब लोग मिल के लगा रहे हैं। अभी 50% लगभग हुआ है, अभी बाकी है बहुत कुछ लगाने के लिए। खाली देखते जाइए, इससे हमें हाइट वर्क करने में एकदम आसान हो जाता है। जैसे कि देख रहे हैं जीएस बिल्डिंग, उसका स्क्रू करने में, इसको विंडोज लगाने में, ऊपर हाइट पे जितना भी काम है वो करने में हमें बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मदद होता है इससे। और उसको हम मैन लिफ्ट में बैठ के उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली हम क्रेन से ऑपरेट, हम उनको उसके अंदर में भी मैं थोड़ा होता है। जैसे कि अभी हमारा भाई कर रहा है, इसको हम साइड कर सकते हैं, अपना हम कर सकते हैं वहीं से क्रेन को, ना कुछ ना किए हुए भी। अभी हम ये जोड़ के जीआईएस बिल्डिंग का जो फिनिशिंग स्क्रू वाला काम है उसमें लगाएंगे। इससे पहले भी हमारा एक था लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं था, रोकने दो ना, तो ये हटा दिया गया था। अभी ये हमारा मैन लिफ्ट रेडी हो गया है लग के। हम लगाने के बाद देखिए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें दो आदमी चार आदमी बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है हमें काम करने के लिए। ब्रिक वर्क कर रहा है। और मैन लिफ्ट में क्या फायदा है इसमें गिरने का, है ना, जो सेफ्टी का जो है, सेफ्टी के नजरिए से भी ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम दूसरा बॉकेट, इससे पहले एक बॉकेट था वो सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए हमें लगा है। ये हमारा जीआईएस बिल्डिंग है। अभी लगभग 80% जो टीवी का काम है, 80% तो फाइनल हो गया है। साथ में हमारा इधर सिविल का भी कुछ काम चल रहा है। एक हमारा रैप बाकी है, उसका सरिया बनने का काम चल रहा है रैप का। साथ में ही हमारा और भी सिविल का भी काम कंटिन्यूसली साथ में चल रहा है। और ये एग्जिस्टिंग X-132 का ही है ये सब स्टेशन। थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।